For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. Hello everyone, mera naam Tushar, Tushar Bhardwaj, aur ye aapka apna favorite channel, Science World. Aaj ki video mein hum class 10th ka ek chapter, Heredity and Evolution, ka ek topic discuss karne wale hain, Embryological Evidence. Dekhiye, Embryological Evidence in support of Evolution. Evolution ke respect mein बहुत सारे एविडेंस आते हैं, बहुत सारे सबूत इकट्ठे किए गए हैं कि हाँ भाई इवोल्यूशन हुआ भी है या नहीं हुआ है. उन्हीं में से एक एविडेंस एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस भी है, पर लेकिन कैसे उसको समझने से पहले हमें क्लियर करना होगा कि एम्ब्रियोलॉजी होता क्या है, किसे कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी. देखिए, बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांच होती है ना, उनमें से एक ब्रांच जिसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, इसका मीनिंग है आप एम्ब्रियो की जब स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, उसको एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है. अब एम्ब्रियोलॉजी कैसे एक एविडेंस मान लिया गया इवोल्यूशन के सपोर्ट में, ये चीज़ हमें क्लियर करनी है. ठीक है, इसके लिए स्टार्टिंग में एक साइंटिस्ट आए, अर्नस्ट हैकल, एक महान साइंटिस्ट. अर्नस्ट हैकल ने बायोजेनेटिक लॉ के बारे में बताया. बायोजेनेटिक लॉ के स्टेटमेंट में बताया गया अर्नस्ट हैकल साइंटिस्ट के द्वारा कि हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के दौरान, हर एक ऑर्गेनिज्म का एम्ब्रियो जब डेवलपमेंटल स्टेजेस में होता है तो इनिशियल स्टेज में वो अपने एंसेस्ट्रल फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है. अगर सिंपल भाषा में कहा जाए, सिंपल शब्दों में कहा जाए, तो बायोजेनेटिक लॉ के अकॉर्डिंग ये बात समझने में आती है कि सभी वर्टिब्रेट, जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, उन सभी के एम्ब्रियो इनिशियल स्टेजेस में कुछ सिमिलरिटी दिखाते हैं स्ट्रक्चर को लेकर. अब जैसे एग्जांपल के तौर पर ह्यूमन का एम्ब्रियो, टॉर्टोइस का एम्ब्रियो, रैबिट का एम्ब्रियो, फिश का एम्ब्रियो, तो ये वैसे तो अलग अलग वर्टिब्रेट्स हैं, लेकिन इन सभी के एम्ब्रियो इनिशियल स्टेजेस में एक सिमिलरिटी दिखाते हैं. और इस सिमिलरिटी का पाया जाना, एम्ब्रियो की इनिशियल स्टेज पर इस सिमिलरिटी का पाया जाना, ये एक पॉइंट कंसिडर किया गया कि भाई ये एक एविडेंस है इवोल्यूशन को, जो फेवर करता है कि हाँ भाई इवोल्यूशन हुआ है, जो एक कॉमन एंसेस्ट्री के बारे में बताता है. तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए एविडेंस के साथ.